ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। सो इट सेज इफ अ थिन लेंस इज डिप्ड इन वाटर डज इट्स फोकल लेंथ चेंज। ओके सो देखो, अगर हम एक थिन लेंस की बात करते हैं, लेट्स से इस तरह से हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स थिन लेंस है, राइट। इस तरफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये आर वन है, इस तरफ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है आर टू। देन इस लेंस की जो फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, वन अपॉन एफ, दैट इज बेसिकली म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। आर वन आर टू क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है दो सरफेसेस के, लेंस के दो तरफ जो सरफेस है उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर है। म्यू एल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम से ये लेंस बना है, एंड म्यू एस सराउंडिंग का, सराउंडिंग में जो मीडियम है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, राइट। सो आप देखो कि लेंस की जो फोकल लेंथ है वो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करती है ना। म्यू एस क्या है? सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। सो आप कह सकते हो कि जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करती है म्यू एस पे, कि आपका जो सराउंडिंग मीडियम है, राइट, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है। सो अगर हम इस लेंस को लेट से एयर से वाटर में डिप करते हैं, राइट, एयर में जब ये लेंस रखा हुआ था, देन म्यू एस की वैल्यू होगी 1, जब वाटर में है देन म्यू एस की वैल्यू होगी 4/3। जब वाटर में होगा तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? वाटर। सो सराउंडिंग मीडियम हो गया वाटर, सो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा ना 4/3। सो ऑफ कोर्स जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करती है, जब आप यू नो लेंस को वाटर में डालोगे देन उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट आप इस लेंस का पूरा नेचर भी चेंज कर सकते हो। अभी जब ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये एयर में रखा हुआ है, देन ये कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस है ना। अगर इसी लेंस को हम किसी ऐसे मीडियम में डाल दें जिस मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू एस, उसकी वैल्यू म्यू एल से ज़्यादा हो जाए, इस केस में ये जो लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? बिकॉज आप देखो म्यू एल बाई म्यू एस, इसका वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। माइनस 1 करोगे, माइनस 1 करने पे ये क्वांटिटी आएगी नेगेटिव, और ये क्वांटिटी नेगेटिव आने पे फोकल लेंथ आ जाएगी नेगेटिव। नेगेटिव फोकल लेंथ मींस डाइवर्जिंग लेंथ। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक। बाय।